हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कमरान और आप देख रहे हैं द रेल न्यूज़। दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपसे नाराज़ हूँ। दोस्तों, नाराज़ इस कारण से हूँ, मैं बार बार कहता हूँ, मैं जब वीडियो बनाता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, सवाल पूछिए, मगर आप पूछते नहीं हो यार, लाइक भी नहीं करते हो ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो यार। इससे हौसला बढ़ता है यार मुझे, मैं यहाँ यूट्यूब में ना कमाने के लिए नहीं आया भाई, कसम से कह रहा हूँ, मैं कमाने के लिए यहाँ नहीं आया। मैं जॉब करता हूँ, अच्छी कमा लेता हूँ, मुझे यहाँ से कमाने की कोई ज़रूरत नहीं। कितनी कमाऊँगा मैं? 7,000, 6,000 अभी, और 5 साल मुझे लग जाएगा जब मैं 1,70,000 में कमाऊँगा। और मैं कमाने की नीयत से आता ना, तो आज मेरे पास लाखों सब्सक्राइबर होते। दोस्तों, कमाने के लिए नहीं आया। यहाँ पर मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ना, क्योंकि मुझे बचपन से ना लोको पायलट होता है, लोको पायलट बनने का शौक था, मगर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं बन सका। इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मज़ा आता है मुझे वीडियो बनाने में, रियल वीडियो बनाने में मुझे मज़ा आता है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हूँ जो कैमरा लेके ट्रेन का टॉयलेट दिखाते फिर, मुझे कोई शौक नहीं है। और हाँ, किसी भाई ने आज क्वेश्चन किया, उसके उस टॉपिक के ऊपर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत 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 अच्छा लगा कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के बारे में। पूछा उन्होंने, एक कमेंट बहुत कमेंट आई है, तो मैं उसी टॉपिक के ऊपर मैं भाई का नाम लूँगा, नाम लेके मैं ये वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि उन्होंने ये क्वेश्चन, उनके घर से ये क्वेश्चन करने के उन्होंने किया, उन्हें इंटरेस्ट है वीडियो पे तो उन्होंने किया, मगर आप लोग कुछ नहीं होता, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ऐसे पड़े हुए। तो दोस्तों, बस अगर आप सवाल करोगे मैं ज़रूर जवाब दूंगा, मुझे मज़ा आता है इन सवाल का जवाब देने में। और कृपया करके लास्ट पेज में जब मेरी वीडियो ख़त्म होगी ना, तो वहाँ इंस्टाग्राम पेज का मैं लिंक दे रखा हूँ, फेसबुक पेज का भी लिंक दे रखा हूँ, आप ना 12 बजे रात में मुझसे क्वेश्चन करोगे, मैं 1 मिनट के अंदर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, ये वादा है मेरा आपसे। कम से कम ट्राई करके तो देखो, भले नहीं सब्सक्राइब करो यार चैनल, बिना लाइक करे छोड़ के चलो, फॉलो तो करो यार, उधर फॉलो करके उधर क्वेश्चन तो करो, मुझे मज़ा आता है रियल फैन से मिलने में, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। खैर, ये टॉपिक अलग सी है, अगर समझ में आ गई तो ठीक, नहीं भी समझ में आया तो आई डोंट केयर, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। मैं 0 सब्सक्राइबर भी रहेगी ना, मैं रेलवे पे वीडियो बनाता रहूँगा जिंदगी भर, ये बता देता हूँ। खैर, वीडियो शुरू करते हैं। भाई ने क्वेश्चन किया था, नीचे आपको यहाँ पे मिल गया होगा कि इन्होंने क्वेश्चन किया है कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से कौन कौन सी ट्रेन चल रही है, तो मैं बता देता हूँ कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से अभी कौन कौन सी ट्रेन चल रही है। दोस्तों, अभी जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से जो ट्रेन चल रही है, मैं लिस्ट यहाँ पे तैयार करके रखा हूँ, मैं सबके नाम पढ़ता हूँ, मैं नंबर नहीं बताऊँगा, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो जो ट्रेनें चल रही है, देखिए मैं जिसका स्पेशल नाम लूँगा समझ लीजिएगा, वो मतलब बराबर चलने वाली नहीं है ट्रेन, रेलवे उसको पूजा के बाद बंद भी कर सकती है, और इस पर स्पेशल नहीं बोलूँगा समझ लीजिएगा, वो COVID-19 स्पेशल चल रही है और ये ट्रेन बराबर चलेगी। तो दोस्तों, पहला जो ट्रेन चल रही है वो है NDLS अगरतला राजधानी एक्सप्रेस, ये चल रही है दोस्तों नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे से। उसके बाद है अवध असम एक्सप्रेस, जो डिब्रूगढ़ से लालगढ़ को भी चलती है, ये भी चल रही है डिब्रूगढ़, NDLS राजधानी भी चल रही है। फिर गुवाहाटी सिकंदराबाद, ये फेस्टिवल स्पेशल है, ये पूजा के लिए चल रही है। उसके बाद गुवाहाटी बैंगलोर कैंड काजीरंगा एक्सप्रेस, ये भी दिल्ली मतलब बराबर चलने वाली है। उसके बाद है अरुणा एक्सप्रेस, जो सिलचर से त्रिवेंद्रम के बीच में चलती है, ये भी स्पेशल ट्रेन नहीं है। उसके बाद सरायघाट एक्सप्रेस, ये भी COVID-19 एक्सप्रेस है, ये भी जो है फेस्टिवल स्पेशल नहीं है। ब्रह्मपुत्र मेल जो डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली ओल्ड दिल्ली के बीच चलती है, ये भी स्पेशल नहीं है दोस्तों। अगरतला देवघर एक्सप्रेस, ये भी स्पेशल नहीं है। और गुवाहाटी LTT, ये स्पेशल है, ये पूजा स्पेशल चल रही है, ठीक है, बंद हो सकती है। उसके बाद अमृतसर डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, ये भी चल रही है, ये भी स्पेशल नहीं है। उसके बाद गुवाहाटी सिलचर पूजा स्पेशल, ठीक है, गुवाहाटी सिलचर पूजा स्पेशल है भी। दूसरी और जो लास्ट ट्रेन है वह गुवाहाटी कोलकाता, जो गरीब रथ है उसको AC स्पेशल बना के ट्रेन अभी पूजा स्पेशल में चला रही है। अब हम बात करते हैं कामाख्या के बारे में, कामाख्या से भी कौन कौन सी ट्रेन चल रही है। तो कामाख्या से डॉक्टर अंबेडकर नगर, जो इंदौर में है, इंदौर से आगे पड़ती है, अभी कुछ दिन पहले सेटल हुई है स्टेशन, ठीक है, आपको नैरो गोज को ब्रॉड गेज बनाया गया है, तो ये डॉक्टर अंबेडकर नगर जो इंदौर तक जाएगी ये ट्रेन, ये कामाख्या से अभी चल रही है। दूसरी है कामाख्या यशवंतपुर AC सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये भी चालू कर दी गई है, ये दोनों स्पेशल नहीं है दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्पेशल नहीं है। उसके बाद है लचित एक्सप्रेस, ये भी स्पेशल नहीं है, ये भी कामाख्या से मुरकुंग स्लेक के बीच में चलती है, तो ये भी चलेगी, इसकी भी बंद होने की कोई गुंजाइश नहीं है अभी। और जितनी भी मैंने स्पेशल नाम ली है वो हो सकता है पूजा के बाद बंद कर दिया जाए, ठीक है। दोस्तों, ये ट्रेन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की तरफ से चल रही है। एक और भाई ने सवाल किया था, उनका भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ, या नीचे आप पढ़ सकते हो उनका नाम और उनका क्वेश्चन। उनका क्वेश्चन ये था कि मायनागुड़ी तक जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन जो मायनागुड़ी तक बढ़ गई है, तो क्या ये अब कोचबिहार तक जाएगी? भाई
आपको बता दूं कोच बिहार क्या है, ये कोच बिहार नहीं न्यू अलीपुर द्वार तक ये कवरिंग इलेक्ट्रिफिकेशन की हो चुकी है, मगर वहाँ पर अभी तक टेस्टिंग नहीं किया गया है। तो ये अब उम्मीद रखता हूँ कि 1-2 महीने के अंदर, मे भी उससे कम समय में ही इनकी जो एक्सटेंशन है न्यू कोच बिहार तक हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब जो कोच बिहार तक जो ट्रेन चलेगी, जैसे उत्तर बंगा एक्सप्रेस है जो सियालदह से कोच बिहार जो बामना हाट के बीच में चलती है, अभी कोच बिहार से एक्सटेंड कर दिया गया उसे, तो उम्मीद करता हूँ कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर चलेगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो अगर अच्छा लगा है तो मैं बोलना ही बेकार है यार, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कोई क्वेश्चन हो तो। और हाँ, आपको अगर दिन भर मुझसे बात करना है ना तो फॉलो करें, लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की, तो आप वहाँ पर जाकर फॉलो करें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ भाई लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड नॉट फॉर इंटरव्यू वाले आप मिस करना मत करना लाइक भाई, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अगर इसी तरह से आपको वीडियो चाहिए बिना किसी टाइम गवाए हुए, अगर सिर्फ टॉपिक के बाद के ऊपर कोई वीडियो चाहिए तो मैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए टॉपिक के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के रखें अपना ख्याल, टेक केयर एंड जय हिंद।